नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर आज मैंने बनाया है तिरंगी सब्जियों से बना तिरंगा देसी रह, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। वो तो ठीक है, पर तिरंगा रह ये तो आप पहली बार ही खाएंगे। देखते हैं कैसे बनाया मैंने। इसके लिए मैंने लिए है बारीक कटी गाजर, फूल गोभी और हरे प्याज की पत्तियाँ। गर्म तवे पे थोड़ा बटर लगाएंगे। फिर सबसे पहले गाजर को थोड़ा सौते करेंगे एक एक मिनट के लिए। थोड़ा नमक डाल देंगे, काली मिर्च, अदरक, अपने स्वाद के हिसाब से आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि उसका रंग नहीं बदलना चाहिए। गाजर को पूरा पकाना नहीं है, कच्ची कच्ची गाजर को ही हम निकाल लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह हम गोभी को भी सौते कर लेंगे, उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम हरे प्याज को भी इसी तरह से करेंगे, पर थोड़ी हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। प्याज हल्का सा पकने लगे, मसाले डालकर और इन्हें भी निकाल लेंगे। हमारी तिरंगी सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। चलिए अब रैप की तैयारी करते हैं। इसका आटा गूंदने के लिए हमने एक कप मैदा और एक कप गेहूँ का आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा की भी बना सकते हैं या फिर आटे की भी बना सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक, एक टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे, एक कप पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। आटे में हाथ डालने का मन नहीं है तो चलिए आज स्पैचुला से ही आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हिलाते चले जाएंगे। रैप बनाने के लिए हमें पतली रोटियां चाहिए, तो इसके लिए हमें आटा थोड़ा सॉफ्ट गूंदना पड़ेगा। धीरे धीरे देखिए आटा तैयार हो चुका है। हाथ में थोड़ा ऑयल अप्लाई करेंगे और सारे आटे को एक साथ करके कम से कम 30 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। 30 मिनट के बाद में हाथ में थोड़ा ऑयल लगा के आटे को वापस से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि अच्छे से हम इसकी रोटियां बेल पाएं, यानी देसी रैप तैयार कर पाएं। एक लोई बनाकर सूखा आटा अप्लाई करेंगे और इसकी पतली सी और बड़ी रोटी बनाएंगे, ताकि हम एक अच्छा सा रैप तैयार कर पाएं। इस तरह से पलटते हुए उठाते हुए रोटी को बड़ा कर लें, जितना बड़ा कर सकें और जितनी पतली बना सकें। तवे को मीडियम और उससे ज़्यादा गर्म करते हुए हम रोटी को दोनों तरफ से हल्का हल्का सेकेंगे, उसे लाल नहीं होने देंगे। रोटी तैयार होने के बाद हम इसे एक कॉटन कपड़े में फोल्ड करके रख देंगे। देखिए इस तरह से, जब बनानी होगी तब हम इसे निकाल लेंगे। ट्रेंडिंग स्टाइल जो आजकल वायरल हो रही है, उसके हिसाब से हम एक क्वार्टर तक इसे काटेंगे पिज़्ज़ा कटर की मदद से या चाकू की मदद से। फिर एक तरफ हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब दूसरे पार्ट में सौते की हुई फूल गोभी और तीसरे पार्ट में सौते की हुई गाजर और अब सौते किए हुए हरे प्याज। ट्राई कलर दिखाई दे रहा है अब फर्स्ट पार्ट को लेकर सेकंड पार्ट पर और फिर थर्ड पार्ट पर और फिर इसे फोर्थ पार्ट। इस तरह से हमारा ट्राइकलर रैप तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे जल्दी से ग्रिल कर लेते हैं। प्री हीट सैंडविच मेकर में बटर अप्लाई करके इसे रख देंगे। एक मिनट बाद ही ये तैयार हो जाता है। हल्का सा बटर लगाकर वापस इसे ढक देंगे। आपको जितना क्रिस्पी करना हो आप उस हिसाब से इसे क्रिस्पी कर सकते हैं। क्रिस्पी या सॉफ्ट जैसा भी आप बनाकर खाना चाहें खा सकते हैं। अगर सैंडविच मेकर नहीं है तो तवे पर भी बना सकते हैं। तिरंगा क्रिस्पी वेजी रैप बनकर तैयार है। आप इसमें चीज भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, सॉस की जगह चटनी भी डाल सकते हैं। स्वाद बनाना हमारे अपने हाथ में है। इसे हमने ट्रेंडिंग स्टाइल में बनाया है, आप भी बनाइए, बहुत आसान है बनाना।
बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। जय हिंद, जय भारत।